5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा किया है अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने। मजीठिया ने दावा किया कि पीएम के फिरोजपुर दौरे से पहले उस वक्त के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने गैंगस्टर से बात की थी। मजीठिया ने कॉल रिकॉर्डिंग का हवाला देकर यह दावा किया कि डीजीपी चट्टोपाध्याय ने गैंगस्टर से बातचीत में कहा था कि 3 से 4 दिन में मोदी को सबक सिखा देंगे। मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के गैंगस्टर से संबंध हैं और मोदी की सुरक्षा में चूक केस में डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को उनका जो रोल रहा है उसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए। आप कमाल की गल है, उहदे च एक जेड़ा ऑडियो च आया मोदी दी अखा खोल देंगे 5-4 दिन विच, मतलब कहिंदा इन्ना कुछ रिकवर हो जू मोदी दी तां अखा खोलण की जगह जे उदन को गल हो जाता तो रब ना करे तो की बन जाना सीगा। एक हाल वेख लो, पीओ डिवाइजिंग द डीजीपी ऑफ द स्टेट, इजंट दिस अ फिट केस फॉर एनआईए इनक्वायरी? वाई इज द इनक्वायरी बीइंग डिलेड? और जिस दिन एनआईए इनक्वायरी होगी ना ए बचू सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ना बचू होम मिनिस्टर, ना बचू चन्नी। बिक्रम सिंह मजीठिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर मजीठिया ने कहा है कि दौरे से पहले डीजीपी चट्टोपाध्याय ने गैंगस्टर से बात की थी जिससे उनका संबंध है। और आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि यहां पर मजीठिया द्वारा क्या कहा गया। आप कमाल की गल है, उहदे च एक जेड़ा ऑडियो च आया मोदी दी अखा खोल देंगे 5-4 दिन विच, मतलब कहिंदा इन्ना कुछ रिकवर हो जू मोदी दियां तां अखां खोलण दी जगह जे उदन को गल हो जांदा ते रब ना करे तो की बन जाना सीगा। एक हाल वेख लो, पीओ डिवाइजिंग द डीजीपी ऑफ द स्टेट, इजंट दिस अ फिट केस फॉर एनआईए इनक्वायरी? वाई इज द इनक्वायरी बीइंग डिलेड? और जिस दिन एनआईए इनक्वायरी होगी ना ए बचू सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ना बचू होम मिनिस्टर, ना बचू चन्नी। बिक्रम मजीठिया को आपने सुना, अगर जो वो कह रहे हैं वो सच है तो बहुत ही गंभीर ये मामला। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग का वो दावा कर रहे हैं बिक्रम मजीठिया, क्या वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास भी पहुंची है और कितना दम और कितनी सच्चाई उनके इस दावे में? देखिए, फिलहाल ऑडियो तो अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से आरोप विक्रम मजीठिया की तरफ से लगाए गए हैं, वो भी खासकर उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब दौरे पर थे और उससे पहले गैंगस्टर हैं जिनका नाम है सरबजीत सिंह, उनके साथ जो ऑडियो की, वो कथित ऑडियो की जो बात विक्रम मजीठिया कह रहे हैं कि उनके साथ बातचीत होती है और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की आंखें खोल देंगे, इतना असला पहुंचेगा। और ये तमाम जो आरोप हैं ये विक्रम मजीठिया के द्वारा लगाए गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर लगातार कांग्रेस सरकार की तरफ से हमले भी किए जाते रहे हैं ड्रग्स मनी को लेकर, और इस समय वो जमानत पर जो है वो चल रहे हैं और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए कि किस तरह से डीजीपी जो है वो एक प्रोक्लेम ऑफेंडर जो है जिनको भगोड़ा घोषित किया हुआ है हाई कोर्ट ने, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और उनसे इस पूरी बातचीत की जो रिकॉर्डिंग है उसकी दावा पर वो ये सारी जो आज बात की है। और जाहिर तौर पर अगर ये ऑडियो सही है तो काफी गंभीर आरोप ना सिर्फ डीजीपी उस समय के जो थे सिद्धार्थ चौपाध्याय और बल्कि होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के ऊपर भी सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि किस तरह से, क्योंकि उन्हीं के कहने पर उस समय सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को 18 दिन के लिए डीजीपी बनाया गया था। तो जाहिर तौर पर सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं और किस तरह से, क्योंकि उस समय भी सवाल ये उठा था कि डीजीपी के दौरे के जब प्रधानमंत्री का दौरा था तो खुद मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे, डीजीपी खुद मौजूद नहीं थे और ना ही कोई जो सीएस है वो भी यहां पर मौजूद नहीं थे, तो सवाल उस समय भी उठे थे और मजीठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं। जी ज्योत्सना, पुनीत मैं एक बार फिर से कह रही हूं कि अगर बिक्रम मजीठिया ने जो आरोप लगाए हैं वो सच हैं, वो ऑडियो अगर सही है, तो एक बार पूरे की पूरी पंजाब सरकार, पंजाब का पुलिस सिस्टम, उसको कटघरे में उन्होंने अपने आरोपों के मद्देनजर खड़ा कर दिया है। साथ ही उस गैंगस्टर से संबंध होने का बात भी यहां पर बिक्रम मजीठिया ने कही है। किस तरह से चट्टोपाध्याय और उस गैंगस्टर के बीच में संबंध का जिक्र करते नजर आए मजीठिया?
देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो अभी पंजाब पुलिस के अंदर एक हाल ही में एक घोटाला हुआ था जिसमें पुलिस की प्रशासनिक फेरबदल की बात कही गई थी, कई अधिकारियों के उसमें नियुक्ति हुई थी, कईयों के फेरबदल किए गए थे, और विक्रम जीठे ने यह आरोप लगाया कि उसी ऑडियो में ये सब तमाम बातें कही गई हैं। और जब बातचीत हो रही है तो उसमें ना सिर्फ ये कन्फाइनमेंट की बात हो रही है, साथ ही साथ उस ऑडियो के अंदर प्रधानमंत्री की आंखें खोलने की भी बात हो रही है। और ये सारा ऑडियो जो है वो प्रधानमंत्री का दौरा जो कि 5 जनवरी को था, और उससे पहले का ये ऑडियो जो है ये सामने आया है। 27 तारीख के आसपास ये ऑडियो बताया जा रहा है कि उस दौरान का ये ऑडियो है, और इसी दौरान जो सिद्धार्थ चौपाटिया और उस गैंगस्टर जो है उसके बीच में ये बातचीत चल रही है, जिसमें रैली को लेकर भी ये बातें जो है वो सामने आई है। और साथ ही साथ विक्रम मजीठिया ने यह भी कहा है कि इसकी एनआईए के द्वारा जांच होनी चाहिए। अगर एनआईए इस पूरे मामले की जांच करता है, इस ऑडियो की भी जांच करता है, तो ना सिर्फ सिद्धार्थ चौपाटिया बल्कि चरणजीत सिंह चन्नी और उसके अलावा जो होम मिनिस्टर है सुखजिंदर रंधावा, वो भी इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आएंगे। और इसी को लेकर वो अब ये दावा करें कि एनआईए की इसमें जांच होनी चाहिए, और ये ऑडियो जो है क्लिप जो है ये बहुत गंभीर है। अगर ये सही है तो, क्योंकि अभी तक ऑडियो जो है वो सामने नहीं आया, उनसे पूछा भी गया कि ऑडिट क्या आप हमें ऑडियो जो है प्रोवाइड करवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको जल्दी ये सब ऑडियो जो है वो मिल भी जाएगा। लेकिन अगर ये सही है तो जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री की चूक में इस बार का सबसे बड़ा खुलासा जो है वो साबित होगा। बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम बड़े दावे विक्रम मजीठिया द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मद्देनजर, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। आप कमाल की गल है, एक जेड़ा ऑडियो च आया, मोदी दियां अखां खोल देंगे 5-4 दिनां विच, मतलब कहिंदा इन्ना कुछ रिकवर हो जू। मोदी दियां तां अखां खोलण दी जगह जे उधर कोई गल हो जांदा ते रब ना करे ते इत्थे की दा की बन जाणा सीगा। इक हाल वेख लो, पीओ डिवाइजिंग द डीजीपी ऑफ द स्टेट, इजंट दिस अ फिट केस फॉर एनआईए इनक्वायरी? वाई इज द इनक्वायरी बीइंग डिलेड? और जिस दिन एनआईए इनक्वायरी होगी, ना ए बचू सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ना बचू होम मिनिस्टर, ते ना बचू चन्नी। अब मैं दूसरे पहलू से आपसे सवाल करना चाह रही हूं पुनीत, इन पर तो खुद आरोप है, खुद कोर्ट में इनका मामला चल रहा है, ऐसे में क्या हम ये माने कि राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह का बयान इन्होंने दिया है, अगर ऑडियो सामने नहीं आया है तो? बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियो जो है वो अभी तक किसी के सामने नहीं है, ना ही ऑडियो जो है वो अकाली दल की तरफ से भी दिया गया है। क्योंकि अगर ऑडियो जो है अगर ये सही है जिस तरह का दावा जो किया जा रहा है, और इनको ऑडियो जो था उसी समय भी दिया जाना चाहिए था, साथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये ऑडियो देते हैं तो क्या वाकई में ये सही है। ऑडियो सुनने के बाद ही पूरी विश्वसनीयता का पता लगेगा, लेकिन तभी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह के आरोप जो है वो कथित ऑडियो को लेकर लगाए गए हैं विक्रम मजीठिया द्वारा, अगर वाकई में ही सही है तो ये बहुत बड़ा गंभीर है मुद्दा है। और क्योंकि खुद डीजीपी उस समय के जो डीजीपी थे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, वो इसमें ऑडियो में अगर वो दावा कर रहे हैं कि ऑडियो में वो थे तो वो खुद इन्वॉल्व हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कि किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया। ना सिर्फ एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं ये अकाली दल की तरफ से कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो एडवाइज कर रहा है डीजीपी को, तो वाकई में ऑडियो जिसका जिक्र मजीठिया कर रहे हैं वो सामने आ जाता है तो फिर तो क्या जांच में भी और आसानी होगी, और एनआईए से जांच कराने की जो मांग कर रहे हैं शायद उस दिशा में कदम और आगे बढ़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम अपडेट्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।